हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर सिक्सटीन सेंटेंस क्लास फोर्थ फर्स्टली वी अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इट मस्ट ए कैपिटल लेटर सेंटेंस एक वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है और इसमें एक वर्ब होनी चाहिए साथ ही जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए इसके अंदर हमेशा फुल स्टॉप होता है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है और साथ ही क्वेश्चन मार्क एंड में लगाया जाता है जो इसके जो सेंटेंस होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं नंबर वन डिक्लेरेटिव होते हैं नंबर टू इंटारेटिव एंड नंबर थ्री इम्पेटिव एंड नंबर फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नंबर वन आता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट जो होती है उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट टू है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम तुम्हारे पिता हु इज योर फादर तुम्हारे पिता कौन है नंबर टू है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क जैसे कि आर यू रोहन Is this your book? तुम्हारी किताब है क्या तुम रोहन हो पढ़ा है इम्पेरेटिव इम्पेटिव होते हैं उसमें हम कमांड देते हैं है, और एडवाइस ऑफर की जाती है और इसके एंड के अंदर फुल स्टॉप लगाया जाता है जैसे ओपन द डोर ये हमारा हो गया कमांड यू मस्ट टेक रेस्ट तुम्हें आराम करना चाहिए हम एडवाइस दे रहे हैं प्लीज गिव मी सम मनी कृपया कुछ पैसे दे दो यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब आता है फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम अपनी जो फीलिंग्स होती है उनको हम व्यक्त करते हैं एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि दुख होता है खुशी होती है या कोई आश्चर्य वंडर होता है तो उसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा और इसके जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं जैसे एग्जांपल देखो कि वाट ए ब्यूटीफुल फ्लोवर कि कितना सुंदर फ्लोवर है तो हमने लास्ट में क्या लगाया एक्सक्लमेशन मार्क लगाया हुरे वी वोन हुरे हम जीत गए यानी कि हुरे हुरे हमने यूज किया खुशी का प्रतीक हुआ अब इसकी देखो एक्सरसाइज देखते हैं नंबर वन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कोल्ड वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है उसे क्या कहते हैं सेंटेंस कहते हैं नंबर टू एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको लास्ट में हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं नंबर थ्री ए सेंटेंस डेट गेव्स अर् कमांड मेक्स ए रिक्वेस्ट और ऑफर ऑन एडवाइस इज कुल्ड एक जो सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम कमांड भी देते हैं रिक्वेस्ट भी करते हैं ऑफर भी देते हैं एडवाइस भी देते हैं तो वह ऐसा कौन सा सेंटेंस है वह है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस नंबर है इन स्टेट इज़ सेलिब्रेटेड द सेंटेंस यहाँ क्या लिखा है कि जो लोहरी है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है तो हम क्या हैं प्रश्न पूछ रहे हैं तो आस्क ए क्वेश्चन री दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंस यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको हमको रीअरेंज करना है नंबर वन जी बाइसिकल विच टू पैडल्स टू एंड तो उसको कैसे करेंगे ए बाइसिकल हैज टू व्हील्स एंड टू पैडल्स बुक्स रीड टू हर लाइक सिस्टर द सिस्टर लाइक्स टू रीड हर बुक्स रेन रेनिंग हैवीली इज इट तो इट इज रेनिंग हैवीली नंबर फोर पर्स फाउंड ए द बॉय द बॉय फाउंड ए पर्स नंबर फाइव डोडो एक्सटेंड द इज एन बर्ड द डोरोज एन एक्सटिंग वर्ड रीड द सेंटेंस गिवन ब्ल्यू एंड राइट अंगेंस्ट ई सेंटेंस डिकलेटिव इंपेरेटिव इंटेगेटिव या एक्सक्रेमेट्री कौन कौन सी सेंटेंस है यहाँ पर आपको सेंटेंस का नाम बताना है कि आर्यन वाद एब्सेंट येस्टरडे आर्यन यस्टरडे को एब्सेंट था ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है डिकलेटिव सेंटेंस है तो आ जाएगा डिकलेटिव अलास अलास का यूज हो रहा है और साथ में हमारा क्या लग रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डू रेबिट्स हैव लॉन्ग और शॉर्ट ईयर देखो लास्ट में क्या लग रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है और डू से प्रश्न पूछा जा रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये हमारा क्या इंटरोगेटिव नंबर फोर वी लाइक चॉकलेट्स ये हमारा क्या हो गया सिंपल सेंटेंस है वी लाइक चॉकलेट हम चॉकलेट्स पसंद करते हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया वाट डू यू लाइक तुम्हें क्या पसंद है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस गो गोदियर वहां जाओ एंड डू योर वर्क तुम्हारा काम करो तो हम क्या कह रहे हैं आदेश दे रहे तो इम्पेटिव सेंटेंस हो गया तनिशाजेड हर प्रोजेक्टा ने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कम्प्लीट कर दिया तो हम क्या किस तरह का है है। ये कि सीधा हमें अब देखिए इज शी वीपिंग देयर कि क्या वे वहां रो रहा है तो उसको सिंपल बनाना है आपको चेंज करना है तो शी इज वीपिंग देयर वर दे प्रेजेंट यस्टरडे क्या वे कल

Were there many mosquitoes? So there were many mosquitoes. Okay, thank you.